हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं बी4 ट्रिक्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा एक स्कीम, जल जीवन हरियाली योजना के अंतर्गत आने वाले एक योजना, सोलर रूफटॉप स्कीम के बारे में कि ये योजना क्या है, इसका फायदे क्या है, कैसे लगवाना है, कितना खर्च पड़ेगा, सब्सिडी कितना मिलेगा, कैसे आवेदन करना है, सारा चीज़ इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें। सबसे पहले आपको सर्च करना है कोई सब ब्राउज़र में, गो ऑनलाइन career.com, उसको एंटर प्रेस करना है। उसके बाद यह वेबसाइट खुल के आपको दिखाएगा, इसमें आप लेटेस्ट ब्लॉग अपडेट में क्लिक करें। उसके बाद यहाँ देखेगा आपको गवर्नमेंट रूफटॉप सोलर प्लांट स्कीम 2022, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ये वेबसाइट खुलेगा, इस वेबसाइट का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आ सकते हैं और पूरा डिटेल्स को पढ़ सकते हैं। यह योजना भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। इस योजना पर आपके घर के छत के ऊपर सोलर पैनल लगाया जाएगा, जिसका जो खर्च आएगा उसमें आपको 65% सब्सिडी सरकार द्वारा आपका आपको दिया जाएगा। इसमें 1 किलोवाट का जो खर्च है 46,923 रुपया, इसमें आपको 65% सब्सिडी मिलेगा। सब्सिडी मिलने के बाद आपको पड़ेगा 16,423 रुपया पड़ेगा। इसी प्रकार अगर आप 2 किलोवाट लगवाते हैं तो 80,280 रुपया पड़, जिसमें सब्सिडी देने के बाद आपको पड़ेगा 30,198 रुपया पड़ेगा। इसी प्रकार आप प्रति किलोवाट का मूल्य और जितना लगवाना चाहते हैं गुना करके 65% सब्सिडी उसमें आपको मिल जाएगा। सोलर लगवाने के लिए आपके छत पर 1 किलोवाट के लिए 10 वर्ग मीटर की जगह होना जरूरी होता है। सोलर पैनल का 5 साल तक देख रेख जो कंपनी लगाएगा, वेंडर वही 5 साल तक रख रखाव करेगा। ऐसे इसका लाइफ 25 साल तक होता है और 5 साल तक देख रेख वेंडर करेगा आपका। अगर आपके घर का बिजली बिल कम यूनिट कब खपत होता है तो आप 1 किलोवाट भी लगवा सकते हैं, अगर थोड़ा ज़्यादा होता है तो 2 किलोवाट और उससे भी ज़्यादा होता है 3 किलोवाट लगवा सकते हैं। सोलर पैनल लगवा के आप कमाई भी कर सकते हैं। अगर आप 3 किलोवाट का सोलर पैनल लगवाते हैं उससे जितना भी बिजली बनेगा वो आपको ग्रिड में देना पड़ेगा, और जितना आप बिजली लेंगे जो खपत करेंगे उसमें आपको माइनस कर दिया जाएगा। जो एक्स्ट्रा आप बिजली ग्रिड में देंगे उसका आपको पैसा दिया जाएगा। तो इस प्रकार आप इससे कमाई भी कर सकते हैं। अगर आपके छत पे ज़्यादा जगह है, अगर आप कमाई भी करना चाहते हैं तो आप 3 किलोवाट 4 किलोवाट तक लगा सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं आगे आप कैसे अप्लाई करना है इसका। इसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ देखेगा आपको अप्लाई लिंक। इसका आवेदन नेशनल पोर्टल पर भी लिया जा रहा है और स्टेट पोर्टल पर भी। स्टेट मतलब जो आपके स्टेट में, जैसे साउथ बिहार, नॉर्थ बिहार, वो भी आवेदन ले रहा है, और नेशनल पोर्टल पर भी आवेदन लिया जा रहा है। तो हम इस वीडियो में आपको नेशनल पोर्टल पर आवेदन करके दिखाएंगे, स्टेट पोर्टल पर हम नेक्स्ट वीडियो में बना के बता देंगे आपको। तो इसके लिए आपको इस पर क्लिक करना है। उससे पहले अगर आप पूरा डिटेल्स पढ़ना चाहते हैं तो ये नोटिफिकेशन आप पढ़ सकते हैं, यहाँ आपको सारा जानकारी दिया गया है। और एक स्टेट द्वारा जारी किया गया जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ हम दे दिए हैं, ये यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कैसे आवेदन करना है। नेशनल पोर्टल पर आने के बाद यहाँ आपको 2 ऑप्शन दिखेगा, लॉगिन का और रजिस्ट्रेशन का। सबसे पहले आपको रजिस्टर करना होगा, उसके बाद आप लॉगिन करके अप्लाई कर पाएंगे। रजिस्टर करने के लिए आप यहाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ आपको फिल करना है स्टेट, पहले जो भी स्टेट है आपका उसके बाद कौन सा वहाँ जो कंपनी बिजली प्रोवाइड करता होगा वो यहाँ दिख रहा होगा, दिख जाएगा आपको। उसको कंज्यूमर नंबर डाल के आप आगे बढ़ेंगे। इसके बाद जो नंबर रजिस्टर होगा कंज्यूमर नंबर के साथ, उसमें एक OTP जाएगा, वो आप फिल करेंगे। उसके बाद फिनिश करेंगे तो आपका ID क्रिएट हो जाएगा। तो चलिए हम फिल कर लेते हैं ये डिटेल्स। कंज्यूमर नंबर फिल करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ आप मोबाइल नंबर डालेंगे, उसके बाद आप क्लिक किए तो सेंड OTP पे क्लिक करेंगे तो आपको संदेश ऐप डाउनलोड करना होगा, उससे OTP जाएगा। OTP फिल करेंगे आप, उसके बाद ईमेल ID डालेंगे, उसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद OTP और ईमेल फिल करने के बाद आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, फिर OTP ओके पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके ईमेल पे एक मैसेज गया होगा जिसमें क्लिक करके आपको पहले अकाउंट को एक्टिवेट करना होगा, उसके बाद आप लॉगिन कर पाएंगे। चलिए मैं एक्टिवेट कर लेता हूँ। एक्टिवेट करने के बाद यहाँ आप फिर से लॉगिन पे आएंगे, यहाँ कंज्यूमर नंबर और मोबाइल नंबर डालेंगे, लॉगिन पे क्लिक करेंगे, फिर मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, वो फिल करने के बाद लॉगिन हो जाएगा आपका। OTP फिल करने के बाद आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ये लॉगिन हो जाएगा। यहाँ आपको फिल करना है आपके बिजली बिल पे, देख लेंगे आप कितना किलोवाट का लोड है। इस बिल में आप देख पा रहे होंगे यहाँ आपको दिख रहा होगा 1 किलोवाट का, वही आपको यहाँ फिल करना है। यहाँ फिल करेंगे कितना किलोवाट का आपको सोलर प्लांट लगवाना है। इसमें अगर आपके पास सोलर प्लांट पहले से है तो वो कितना वाट का है वो यह फिल करना है, अगर नहीं है तो छोड़ देंगे इसको आप। उसके बाद जिसके नाम से ये बिजली बिल आता है, जिसके नाम से है, वो यहाँ आपको फिल करना है।
वो किस कैटेगरी से आते हैं वो, उनका पूरा एड्रेस, जहाँ इंस्टॉल होगा ये सोलर, जहाँ इंस्टॉल होगा वो पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, इसके बाद जहाँ ये लगेगा सोलर पॉइंट वहाँ का आपको लेटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आपको देना होगा। लेटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको सर्च करके अपना जहाँ पर एरिया है वहाँ देखना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद अप्लाई पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर ऑटोमेटिक आप लेटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आ जाएगा, उसके बाद इसको कट कर देंगे आप। उसके बाद एक बार पूरा डिटेल्स को वेरीफाई कर लेंगे, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ बिजली बिल अपलोड करना होगा, लास्ट 6 मंथ में से कोई सा बिजली बिल 1 मंथ का आप अपलोड कर सकते हैं इसमें। इसमें आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। इसमें आप कोई सा डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे, आधार कार्ड या पैन कार्ड अपलोड कर देंगे, इसमें भी आप आधार कार्ड पैन कार्ड अपलोड कर देंगे। मैं अपलोड कर लेता हूँ। सारा डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आप फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे, ये आपका फाइनल सबमिट हो चुका है। इस प्रकार आप बड़ी आसानी से सोलर रूफटॉप के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें आप लोड को बढ़ा भी सकते हैं और कैपेसिटी जितना आप लेना चाहें उसको बढ़ा, 1 किलोवाट से 2 किलोवाट बढ़ा सकते हैं। इसका आप एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड करके रख सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे, एप्लीकेशन एक्नॉलेजमेंट, ये आपका डाउनलोड हो जाएगा, इसको आप सेव रख लेंगे। इसमें आप रेगुलरली लॉग इन करके आप चेक करते रहेंगे कि कहाँ तक प्रोसीड हुआ। वहाँ से अप्रूव होने के बाद आप सब इंस्टॉलेशन डिटेल सबमिट करेंगे, उसके बाद वहाँ कुछ चेक करने के लिए आएगा वहाँ से, उसके बाद वो अप्रूव करेगा, उसके बाद सब्सिडी के लिए रिक्वेस्ट करेगा, उसके बाद सब्सिडी आपसे अकाउंट में आ जाएगा। तो आप इसमें लॉग इन करके इस वेबसाइट पर आकर यहाँ लॉग इन करेंगे, नेशनल पोर्टल पर जाकर यहाँ लॉग इन करके आप रेगुलरली चेक करते रहेंगे आपका अप्रूव होगा तो आप इंस्टॉलेशन डिटेल्स को आपको फिल करना होगा, इसीलिए आप रेगुलरली विजिट करके चेक करते रहेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।